खबर चंदौली के चकिया कोतवाली स्थित मूसाखाड़ बांध के तटबंध से है, जहां पिकनिक मनाने गए दो पक्षों के बीच गाड़ियों को पास न देने के कारण जमकर लाठी डंडे और हॉकी चले, जिसमें चार लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के छितमपुर निवासी संजय गुप्ता 38 वर्षीय, मुन्नी 35 वर्षीय, विजेंद्र गुप्ता 55 व कीर्तन चौहान 28 वर्षीय पिकनिक मनाने बोलेरो से गए थे। इसी बीच पीछे से 3 मारुतियों पर सवार एक ग्रुप आ गया और ओवरटेक के लिए हॉर्न बजाने लगा, लेकिन तटबंध पर कम जगह होने के कारण पास नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित कार सवारों ने बांध पर पहुंचने के बाद इन पर टूट पड़े, जिससे चारों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। और सूचना पर पहुंचे चकिया कोतवाली संतोष राय ने सभी घायलों को संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया और घायलों की तहरीर पर कुल 16 अज्ञात लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय गुप्ता। कमलेश? संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छितमपुर। आज क्या मामला हुआ मूसाखाड़ बांध पे? हम लोग उधर पिकनिक मनाने गए थे, पिकनिक मना कर उधर से आ रहे थे, मूसाखाड़ बांध का धार उतर रहे थे, उतर गए थे, तभी एक मारुति वाले आए, वहाँ साइड को लेकर विवाद हुआ कि तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ। तब तक हम लोग उतरे, वो लोग उतरे, तुरंत धारा होने लगा, मारने पीटने लगे सब। तभी एक मारुति और आ गए, उसमें से तुरंत गोजी डंडा हाकी निकाल कर सब लोग मारने लगे। तो हम लोग देखे क्या बोलोगे, हम लोग मारा जाएंगे, मार देंगे हम लोगों को, तो हम लोग भाग गए। कितने लोगों को चोट लगी है? चार पाँच लोगों को। वो लोग पता चला वो लोग कहाँ के थे जो मार रहे थे? एक जो बहन थी वो यूपी की थी और एक बिहार की।